हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे व्हाट्स न्यू इन लारावेल का फीचर नंबर 4 जिसका नाम है पब्लिश स्टब। बेसिकली पब्लिश स्टब है क्या? पब्लिश स्टब बेसिकली हम लोग को एक मॉकअप क्रिएट करके दे देता है, या तो फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये हम लोग को एक स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करके दे देता है। तो पब्लिश स्टब को बेहतर समझने के लिए हम लोग इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे होंगे, तो इसलिए मैं मूव करता हूं गिट बैश पे। यहां पे मैं अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप एक फ्रेश प्रोजेक्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में मैंने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी को पहले ही एक्सेस किया हुआ है। यहाँ पे जस्ट मैं एक न्यू मॉडल बना रहा हूँ, पीएचपी पार्टीशन मेक मॉडल एंड लेट्स से पब्लिश स्टब इसका नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक मॉडल बना लिया है, लेट्स मूव गैलरी एप राइट हियर पब्लिश स्टब, ओके। अगर आपको एलोक्वेंट का अंदाजा हो, क्योंकि मैं बेसिकली अपने ट्यूटोरियल्स की वीडियो में भी बेसिकली एलोक्वेंट को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, एलोक्वेंट बेसिकली ORM को यूज कर रहा होता है, जिसके लिए अगर हम एलोक्वेंट के थ्रू कोई भी डाटा क्रिएट रीड अपडेट या डिलीट कर रहे हो, तो हम लोग को बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल। इसमें इंसर्शन अपडेशन के लिए हम लोग को जितने भी हमारे पास उस मॉडल के कॉलम है वो यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं। तो बेसिकली मैं हर मॉडल में अपने पास ये फिलेबल यूज कर रहा होता हूँ। इसके अलावा हम लोग के पास एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हम अपना गार्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं डॉलर गार्ड, ओके। ये बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं, हर मॉडल में बार बार जाके हम लोग को ये चीजें डिफाइन करनी होती है। खास तौर पे मैं क्योंकि एलोक्वेंट यूज करता हूँ तो मैं ये फिलेबल बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा होता हूँ हर मॉडल में, ठीक है। तो पब्लिश स्टब बेसिकली करता क्या है, लेट सी। मैं यहाँ पे आपको पहले कमांड दिखा दूं, पीएचपी आर्टिशन, ओके। यहाँ पे हमारे पास स्टब में एक कमांड मौजूद है, स्टब पब्लिश, लेट्स डू दिस, पीएचपी आर्टिशन स्टब पब्लिश स्टब पब्लिश राइट हियर, ओके। यहाँ पे अब ये हमारे पास स्टब का एक फोल्डर क्रिएट हो गया होगा, इस डायरेक्टरी में आप देख सकते हैं स्टब्स राइट हियर। इसमें मैं मूव करूंगा अपने पास मॉडल डॉट स्टब में राइट हियर, ओके। ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेड का आप लोगों को सिंटेक्सिंग नजर आ रही होगी, ठीक है। इसको हम इग्नोर करते हैं और हमारे काम की जो चीज है, बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ तो ये दो फील्ड जो है उनमें प्री डिफाइंड आ रही हो, बेसिकली ऑलरेडी डिफाइंड हो, मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जस्ट यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है, और मॉडल स्टब में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसको अलाइन कर देते हैं, दैट्स इट, ओके। अब मैं अपने पास पब्लिश को, बेसिकली हमारे पास जो पब्लिश स्टब का मॉडल है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, राइट, ओके। नाउ लेट्स से हम लोग वापस से वो मॉडल बनाते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओके। हम लोगों ने पब्लिश स्टब का एक और बार मॉडल बना लिया है और अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल और गार्डेड की प्रॉपर्टी ऑलरेडी मौजूद है। तो ऑल आई हैव टू डू इज यहाँ पे हम अपने सारे के सारे कॉलम्स बता सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बेसिकली ये हम लोग को देखिए एक स्टार्टिंग पॉइंट इसने क्रिएट करके दे दिया, यही फायदा है स्टब का। अब मुझे बार बार जब भी मैं कोई नया मॉडल बना रहूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल लेट से मैं एक और मॉडल बना लेता हूँ, पीएचपी आर्टिशन मेक मॉडल लेट्स से टेस्टिंग, ओके। और यहाँ पे मूव करते हैं, हमारे पास एक टेस्टिंग का मॉडल बन गया और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास फिलेबल और गार्डेड की प्रॉपर्टी ऑलरेडी मौजूद है। तो बेसिकली जो भी चीजें मुझे चाहिए हो वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ अपने मॉडल डॉट स्टब में। इस केस में हम लोग थोड़ा सा इसको भी रिव्यू कर लेते हैं। स्टब के फोल्डर में हमारे पास कॉन्सोल, कंट्रोलर, कंट्रोलर इनवोक, मॉडल एटसेट्रा, बहुत सारी हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हर चीज के लिए एक स्टब मौजूद है, जिससे भी रिलेटेड हम काम करना चाहें हम उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू आर नीड बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हैं। इस केस में हम लोग क्योंकि मॉडल को देख रहे थे तो हम लोगों ने मॉडल के स्टब में अपने पास प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी जो मुझे हर मॉडल के साथ बेसिकली एक्चुअली में चाहिए जब भी मैं कोई फ्रेश मॉडल बना रहा हूँ। तो यही था बेसिकली पब्लिश स्टब का फायदा कि हम लोग ऑलरेडी अपनी बेसिकली प्री डिफाइन कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को जिनको हम बार बार डिफाइन करना नहीं चाह रहे। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे बेसिकली अभी तो ये हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह का कोई भी मतलब बेसिकली मॉकअप के लिए कोई भी चीज जिस तरह कंट्रोलर से रिलेटेड वगैरह देखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इस वक्त मेरे वो किसी काम का नहीं है, इस वजह से मैंने मॉडल को मॉडल से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पब्लिश स्टब का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।